प्राचीन काल से ही मानव के विकास में मछलियों की अहम भूमिका रही है। भोजन एवं रोजगार के लिए मछलियों का उपयोग मानव आदिकाल से कर रहा है। गुणवत्ता युक्त मछलियों की मांग बढ़ने के साथ साथ वर्तमान समय में मत्स्य पालन एक नए रोजगार के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड राज्य में जल एवं वन मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। उत्तराखंड में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग एक तरफ सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल आधारित उद्योगों के अंतर्गत मत्स्य पालन से नई पीढ़ी को रोजगार दिया जा रहा है। मत्स्य पालन कार्य प्रारंभ करने से मत्स्य उत्पादन के रूप में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन को दुगना करने के उद्देश्य से केंद्र पोषित योजना नील क्रांति का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। मत्स्य पालन उत्तराखंड में एक नए रोजगार के रूप में उभर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन किसान भाइयों के द्वारा वैज्ञानिक विधियों से किया जा रहा है। सहकारिता के माध्यम से उत्तराखंड के जनपद टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग टिहरी जनपद के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि जनपद के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में तालाब निर्माण कर जल क्षेत्र विकसित किए जाएं और मछली जैसे पौष्टिक आहार का उत्पादन बढ़ाया जाए। जनपद टिहरी की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मत्स्य विभाग द्वारा समुद्र तल से 1400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में उपलब्ध तीव्र गति वाली शीत जल धाराओं तथा हिमनदों को ट्राउट मछलियों के लिए उपयुक्त माना गया है। जनपद टिहरी के पर्वतीय क्षेत्रों की लगभग 120 किलोमीटर लंबी शीतल जल धाराओं की पहचान ट्राउट जोन के रूप में चिन्हित की गई है, जिनमें जौनपुर एवं भिलंगना ब्लॉक की हिमनदियाँ इनमें शामिल हैं। विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं में ट्राउट फार्मिंग प्रमुख परियोजना है, जिसमें सहकारी समिति का गठन कर ट्राउट मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्राउट फार्मिंग एवं मत्स्य पालन हेतु 10 सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिनमें विभिन्न श्रेणी के लोगों जैसे कि BPL, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं को भी इन समितियों में शामिल किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडे पानी की मछलियों का पालन किया जा सकता है, जैसे कि महाशीर, ट्राउट, सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प एवं कॉमन कॉर्प। ट्राउट फार्मिंग इन सब में से अत्यधिक लाभदायक है। ब्राउन ट्राउट फिश, रेनबो ट्राउट फिश और स्नो ट्राउट फिश हिमालय की ठंडी जलधाराओं में इनका पालन पोषण किया जाता है। ट्राउट शीतल जलीय विदेशी मछलियां हैं, जिनको मनोरंजन तथा खाने के लिए भारत लाया गया। ट्राउट की दो प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जिनमें की ब्राउन ट्राउट जिसका वैज्ञानिक नाम साल्मोट्रेटा फेरियो तथा रेनबो ट्राउट जिसका की वैज्ञानिक नाम अंकोरिकस माइकस है। यह दोनों प्रजातियां ही पहाड़ों के ठंडे पानी में रहती हैं तथा मांसाहारी हैं। रेनबो ट्राउट पहाड़ों में पालने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह कृत्रिम आहार को आसानी से खा लेती है तथा इसकी वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। स्नो ट्राउट फिश को उत्तराखंड में असेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम साइजोथोरेक्स रिचर्डसोनी है। क्लस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग के लिए स्थलों का चयन करने हेतु कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि चयनित स्थल में न्यूनतम 0.30 हेक्टेयर यानी कि 15 नाली भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। जल स्रोत के पानी का तापमान वर्ष भर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम पानी का बहाव 4 इंच प्रति सेकंड प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध होना चाहिए। समितियों को ट्राउट फार्मिंग हेतु शासकीय सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं। भारतीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सहकारी समितियों को ट्राउट फार्मिंग हेतु 10 यूनिट तक का लाभ दिया जाता है। भारत सरकार की ब्लू रेवोल्यूशन योजना के अंतर्गत एक यूनिट ट्राउट रेसवेज के निर्माण की लागत 2 लाख एवं निवेश की लागत 2.5 लाख निर्धारित की गई है। रेसवेज निर्माण व प्रथम वर्षीय लागत पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 40% तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों एवं महिलाओं को 60% अनुदाय दे है। जो बच्चे आए हमारे वो मई में आए थे, 700 बच्चे आए थे बरांगना से, और तब से हम यहाँ पे इनको देखभाल कर रहे हैं। मत्स्य विभाग से मिले थे, उन लोगों ने जानकारी दी कि आप इस काम में रुचि बढ़ा सकते हो, फिर हमने इन लोगों से मिले और अपनी रुचि बढ़ाई, फिर यहाँ पे आके हमने एक समिति बनाई। समिति बनाने के बाद फिर भूमि वगैरह ली और उसके बाद ये रेस वेस वगैरह बनाए। सर इससे पूरा आप कौन सा कार्य करते थे इससे पहले? इससे पहले कृषि का भी काम होता था, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं अपनी समिति से, 16-17 लोग जुड़े हुए हैं, तो कृषि का काम करते थे वो। तो सर आपको इसमें मत्स्य पालन करते हुए कितना समय हो चुका है सर? हमें करीबन 1.5 साल हो गया।
सर, तो सर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट या कोई प्रॉफिट? हाँ, अच्छा है। अब हमने बच्चे वगैरह डाले, बीज डाला है यहाँ पे, अब वो हो जाएगा, आगे बड़ा होगा तो फिर जरूर फायदा मिलेगा उससे। तो आपको मत्स्य विभाग द्वारा कोई सीड या फीड या कोई सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी? हाँ, मिली वहाँ से, हमें सब्सिडी वगैरह भी मिली है, सीड और वो भी मिला, फीड भी मिला, बाकी देख रहे हैं। पहले 2013-14 आपने मेरे एक खेत पर गए थे जहाँ सामान्य आलू मटर बीन्स धनिया होता था, और अब तो खेती करने का कोई राजी नहीं है, बैल सड़क में घूम रहे हैं, अब तो खेती करने कोई राजी नहीं। तो मैंने सोचा मैं मत्स्य विभाग के पास गया और मत्स्य विभाग से तुरंत मेरे कागज की कार्यवाही करते हुए मेरे को आगे प्रोत्साहन किया कि आप काम करो, आपको फीड सीड टाइम पे मिलेगा। तो मेरे को फीड सीड टाइम पे मिला, पेमेंट सही टाइम से मिल गई, बाकी मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास यही मत्स्य का काम है और मैं मत्स्य और आगे काम करना चाहता हूँ। मेरे पास 10-11 रेसिपीज बन रहे हैं और मैं चाहता हूँ 10-11 रेसिपीज और बने मेरे पास। मठियानगांव में एक टैंक बना रखा है, लामखंडे में एक टैंक बना रखा है अपने दोस्तों का, वो आदर्श तालाब के नाम से है, और मोरडापुल में है, मझगांव में है, सबको मैं मत्स्य में आगे प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि एक काम आगे करें आप लोग। हमारी जो सोच है, नई पीढ़ी नई सोच नई उमंग, ये हमें देखने को मिल रहा है। मत्स्य पालन विभाग टिहरी गढ़वाल जनपद में उपस्थित समस्त जल संसाधनों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के साथ साथ कृषक भाइयों को मत्स्य पालन के रूप में आय के अतिरिक्त स्रोत का सृजन कर रहा है। साथ ही साथ विभाग का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकना है एवं प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करना है, जिससे पलायन को रोकते हुए हमारे कृषक भाइयों को आय की दुगनी करने के अवसर प्रदान किए जा सके। मत्स्य विभाग टिहरी जनपद द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य तालाब निर्माण योजना के तहत छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को मत्स्य पालन से जोड़ा जाए एवं आय के अतिरिक्त स्रोत का सृजन किया जाए, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन करने की विधि द्वारा आय को दुगनी किया जाए। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे पलायन को भी रोका जा सकेगा, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में प्रोटीन युक्त आहार भी उपलब्ध किया जाएगा। विभाग द्वारा तालाब निर्माण योजना के लिए सभी लाभार्थियों को 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तालाब का निर्माण किया जाता है, जिस हेतु लाभार्थी को कुल लागत का 50% धनराशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना के तहत न्यूनतम 200 वर्ग मीटर साइज का तालाब निर्माण कराया जाता है, जिसकी कुल लागत का 50% धनराशि विभाग द्वारा लाभार्थी को प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत पर्वतीय तालाब निर्माण के लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्र का मत्स्य तालाब निर्माण किया जाता है, जिसकी कुल लागत पर 60% धनराशि विभाग द्वारा लाभार्थी को प्रदान की जाती है, तथा विभिन्न निवेश योजना के तहत मत्स्य पालक को मत्स्य पालन बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि सुविधाएं भी दी जाती है। समय समय पर मत्स्य पालकों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं भ्रमण भी करवाया जाता है। मेरा नाम सुंदरलाल आर्य, मैं ग्राम पंचायत पुजार गाँव भजरा प्रताप नगर का रहने वाला हूं। विगत कई सालों से मत्स्य पालन काम कर रहा हूं, मुर्गी पालन का काम कर रहा हूं, और मैं मिश्रित मत्स्य पालन करना चाहता हूं, जिससे हमारी आजीविका चल सके। इसी के साथ साथ मैंने अपने जो मत्स्य पालक भाई है उनके लिए एक मैसेज भी देना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कि सीमित भूमि बढ़ती आबादी मानव तुमसे करे पुकार, सुख चैन से जीना है तो जल में है भोजन भंडार। तो मानवर मैं इसके साथ साथ बत्तख पालन करना चाह रहा हूँ, संभवतः इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। मुर्गी पालन का काम कर रहा हूँ और मुर्गी पालन के साथ साथ मैं हैचरी लगाना चाह रहा हूँ, 5000 कैपेसिटी वाली हैचरी लगा रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने हेतु विस्तार किया जा रहा है। मत्स्य विभाग टिहरी गढ़वाल ट्राउट फार्मिंग के लिए निरंतर कार्यरत है एवं लोगों को स्वरोजगार एवं प्रोटीन युक्त भोजन देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा मत्स्य आहार जाल इत्यादि भी मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न तकनीकों की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण एवं फील्ड भ्रमण के कार्यक्रम भी समय समय पर चलाए जाते हैं। मत्स्य पालन का कार्य बहुत ही सहज एवं सुगम है, तथा विभागीय योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर थोड़ी पूंजी में भी मत्स्य पालन प्रारंभ कर आर्थिक समृद्धि लाई जा सकती है। मत्स्य पालन का व्यवसाय अपनाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं।